महाराष्ट्र के ठाणे से 1365 राम भक्तों को लेकर अयोध्या के लिए आस्था विशेष ट्रेन को भाजपा के नेता निरंजन डावखरे और संजीव नाइक ने हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि ठाणे 25 लोकसभा क्षेत्र से चलो अयोध्या धाम आस्था यात्रा ट्रेन को ढोल बजाकर रवाना किया गया है। इस ट्रेन को 900 किलो फूलों से और 140 फुट का हार दो दिनों में तैयार किया गया था और जो ट्रेन के इंजन से लेकर बोगी तक सजाया गया था। इसी ट्रेन से राम मंदिर के दर्शन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को रवाना किया गया है। ठाणे लोकसभा से ये ट्रेन अयोध्या धाम जा रही है और 1368 यहाँ पे पैसेंजर्स हैं जो अयोध्या धाम प्रभु राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये व्यवस्था हुई है और इसके लिए सभी प्रवासी बहुत आनंदित और उल्लसित है कि आज उनको इस प्रवास में जाने की संधि और परसों उनको प्रभु राम के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पे उनका खाना पीना सब नियोजन ये हम लोग ने किया है तो सभी लोग एक बहुत उल्लसित और आनंदित वातावरण में जा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था जब यहाँ पे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी से हो रही है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के माध्यम से उनकी पूरी लोग है वहाँ पे, वो सभी जितने लोग देश भर से या देश के बाहर से भी आ रहे हैं उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था की है और उसी नियोजन के अंतर्गत हम लोग जा रहे हैं। माननीय मोदी जी के हाथों से ये जो प्रभु राम मंदिर या उनके माध्यम से जो प्रभु राम मंदिर का लोकार्पण हुआ है 22 तारीख को, उसके बाद से सभी लोगों में एक उत्सुकता है, कुतूहल है और इसी कुतूहल के माध्यम से ये लोग आज सभी लोग दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं।